तुलसी बाबा रामायण लिखने बैठ गए। अब उन्होंने दोहा नहीं लिखा है, सो उठा लिख दिया पहले गणेश की वंदना। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक नायक करिवर बदन, जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सो गुण सदन। जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करवर बदन, करौ अनुग्रह सो बुद्धि रास शुभ गुण सदन। गणपति का आराधन अब क्रम नहीं भूले हैं तुलसी बाबा। अब वो रामायण को धरातल पर उतार के ला रहे हैं, गणेश जी को सोरठे में विशेष, सोरठा माने विशेष अलंकार। बुद्ध रास शुभ गुण सदन, करो अनुग्रह सो जो सुमिरत सिद्ध होए। ये तीन देवता ऐसे हैं, इनका स्मरण रहना चाहिए, ये स्मरण से प्रसन्न हो जाते हैं। देखो पहला तो है गणेश, दूसरे हैं हनुमान जी, तीसरे हैं दत्त भगवान, भगवान दत्तात्रेय। पहले देवता कौन है? गणेश। जो सुमिरत सिद्ध हो स्मरण मात्र से जो प्रसन्न हो जाए। दूसरे देवता हनुमान, तीसरे हैं भगवान दत्तात्रेय। एक बार हमसे कोई पूछ रहे थे गुड़गांव में कथा शैली क्या रहेगी, तो हमने कहा कथा शैली में साधुकड़ी शैली रहेगी कथा की। जैसे साधु कथा सुनाते हैं वैसे सुनाएंगे, व्यास जैसे सुनाते हैं वैसे नहीं सुनाएंगे, साधुकड़ी। अब साधु पता है चातुर्मास की पवन की तरह से होता है, मस्त राम मस्त मलंग में साधु मस्त मलंग होते, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भाई इन्हें ये फकीर जो होते हैं साधु मस्त मलंग होते हैं, चातुर्मास की पवन की तरह से होते हैं ये, जिधर मौज आई फकीर की चल दिया उधर साधु। हाँ साधु तो हुए ना कारज हानि, साधु की बातें सुकर होती है। इसलिए कोई हमसे पूछ रहे थे कुछ संत आजकल काशी गए हुए हैं पंचकोशी की परिक्रमा करने, भारत के बड़े संत, उनमें से किसी पूज्य संत ने हमसे पूछा, उनको मानसिक प्रणाम कर लेते हैं। उन्होंने हमसे पूछा कि गुड़गांव में कथा शैली क्या रहेगी, हमने कहा देखिए व्यास शैली तो रहेगी लेकिन साधुकड़ी शैली रहेगी, साधु भाव से कथा सुनाएंगे, साधु भाव। और साधु भाव में क्या होता है कि बस साधन हुआ कभी नहीं हुआ, करतल भिक्षा तरतर वासा तदपि न मुंचति आशा पाशा, तो उसमें बहुत ज्यादा भेद साधन विधियां बड़ी कठिन बातें बड़े नियम कठिन वर्जनाएं ये नहीं बताएंगे, बहुत बड़ी बड़ी वर्जनाएं नहीं रखेंगे, भेद नहीं रखेंगे, कठिन व्रत नहीं बताएंगे, कष्ट साध्य अनुष्ठान नहीं बताएंगे, सीधे राम की बात कहेंगे जो सुख कर लगे।